नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन मेरे अपने YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज मैं एक आपको नई ट्रिक सिखाने आ रहा हूँ, जो DTH का जो रिसीवर होता है MPG2 और MPG4, इसके अंदर क्या डिफरेंस है आज आपको सविस्तर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबाइए और बीच में ही घंटा है उसको घंटे को क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आएगी। ये देखिए, यहाँ पे MPG2 और MPG4 ऐसे दो प्रकार के रिसीवर होते हैं। MPG2 में आपको बताऊंगा मैं कैसे पहचाना आ जाता है। MPG2 में जो होता है ये वॉल्यूम कंट्रोल होता है, यहाँ पे ये वाला जो चीज होता है फ्रंट वो वॉल्यूम कंट्रोल होता है, ऑन ऑफ स्विच, उसके बाद ये स्पीकर सॉकेट लगा होता है जिससे अपने को समझ में आता है कि ये MPG2 है, उसके बाद ये सब कुछ चीजें मेंस कॉट जाने इसे वायर बोलते हैं, एसी वायर, उसके बाद इसका रिमोट जो होता है इस टाइप का रिमोट होता है, इससे अपने को पता चलता है कि ये MPG2 है। अभी ये जो चीज होती है ये MPG4 का होता है, तो ये वाला है MPG4। MPG4 में आपको यहाँ पे USB का सॉकेट लगा होता है, उसके बाद ये YouTube पे भी चल सकता है, उसके बाद इस टाइप का प्लेन रास्टर रहता है, और यहाँ पे सबसे मेन चीज जो होती है HDMI केबल, यानी LCD और LED को लगाने के लिए जो HDMI केबल लगता है वो यहाँ पे लगाना पड़ता है, उसके बाद ये जो DC वाला सॉकेट है, यानी ये जो एडप्टर है उसे DC से लगा के कनेक्ट किया जाता है। ये सब कुछ चीजें तो आपको पता ही है। USB प्लेयर, जो मेमोरी कार्ड अपन यहाँ से चला सकते हैं, और उसका रिमोट इस टाइप का होता है, ये वाला रिमोट, ये MPG4 का रिमोट होता है। और यहाँ पे YouTube कैसे चलाते हैं, YouTube कैसे दिखाते हैं, वो सब कुछ चीजें मैंने दूसरे वीडियो में बता रखी है, और उसको मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, अगर आपको वो देखना है तो वो भी देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज लाइक करके बताइए, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया हो तो उसे डिसलाइक कीजिए, मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए। और ये बॉक्स MPG2 बॉक्स और MPG4 बॉक्स अगर आपको फ्री में चाहिए होगा तो आप प्लीज अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, यानी जिसका नंबर अपने को अच्छा लगा उसे हम ये वाला एक बॉक्स हम उसे फ्री में भेज देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए।